तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज है नवरात्र का 10वां दिन और ये दिन सबसे नवरात्र का लास्ट दिन होता है। और आज के दिन पतरातु में तो सारी जगह रावण दहन हो चुका है। बस ये स्टीम कॉलोनी जो पतरातु में है वहाँ पे ये रावण दहन अभी नहीं हुआ है। आज दशमी के दिन रावण दहन होने वाला है। तो हम लोग आए हैं जी रावण दहन में। अरे अंदर नहीं जाओ, ए वैष्णवी चलो बाहर इधर। बच्चे जो है ना ही मतलब ये बैरक तोड़ के अंदर जा चुके हैं रावण से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए। क्या फर्क पड़ता है इधर रहो उधर रहो, हम लोग इधर ही थे। लेकिन बच्चे आप देख सकते हैं अंदर जा चुके हैं रावण जी से मिलने। आज लास्ट दिन है और लास्ट मेला भी, क्योंकि सुबह विसर्जन हो जाएगा तो फिर ये बच्चों का एंजॉय करने का तो मिलेगा ही नहीं। तो बच्चे जितने मस्ती कर रहे, तो आज हम लोग 6 बजे ही आ गए थे मेले में। ये लास्ट दिन है, चलो भाई। ये देखिए सारे लोग फील्ड में सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि रावण दहन में अभी टाइम था। ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा था कि 8:30 बजे तक तो रावण दहन होगा और हम लोग 6:30 बजे ही पहुंच चुके थे, क्योंकि बच्चे इतने परेशान कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इनके जाने से पहले ही रावण दहन न हो जाए तो फिर ये देख भी नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ भंडारा भी हो रहा था। भंडारे में इतना भीड़ था कि हम लोग फिर मेले में चले गए। क्या फायदा यहाँ रहने से इतना भीड़ में, देखा जाएगा अगर मौका मिले तो प्रसाद पा लेंगे हम लोग भी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो खीर बट रहा था, आज 3रा दिन हो गया था भंडारा का, क्योंकि सप्तमी के दिन खिचड़ी का भंडारा हुआ था और नवमी के दिन भी खीर का भंडारा हुआ और आज दशमी के दिन भी खीर बट रहा है। यहाँ आज 3रा दिन है भंडारे का और आप देख सकते हो जितने भी लोग आए हुए हैं, थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, प्रसाद तो प्रसाद है तो सब लोग यहाँ प्रसाद। भंडारे की भीड़ को देखकर हम लोग वहाँ 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुए, बोले कि नहीं यहाँ खड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग प्रसाद नहीं पा सकते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था। हम लोग आ गए सीधे गुपचुप के ठेले पे, यानी प्रसाद में अभी भीड़ है तो कम से कम बच्चा लोग को कुछ खिला पिला देते हैं, तो हम लोग गुपचुप खा रहे हैं यहाँ पे। तब तक फील्ड में आतिशबाजी शुरू हो चुका था। रावण दहन से 10 से 15 मिनट पहले आतिशबाजी शुरू हो जाता है ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाए और इन्हें मालूम पड़ जाए कि हाँ अब रावण दहन होने वाला था। पर मुझे पता चला कि अभी देर है तो हम लोग इधर ही मेले में ही रुके। ये देखिए वहाँ का जो आतिशबाजी हो रही है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, सारे लोग इकट्ठे हुए और ये सब होना साल में एक बार तो होता है तो क्यों छोड़ना। हम लोग फिर आ गए फील्ड में देखने के लिए। बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, ये जो आतिशबाजी हो रही थी और ऊपर में जाके ये जो नजारा बन रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही अनाउंस हुआ कि रावण दहन अब होने वाला है तो हमने सबसे पहले तो फाइनली 9:15 बजे तक रावण दहन हो चुका है। और हर बार ऐसा ही होता है, जब भी रावण को जलाने जाते हैं तो मतलब ये तीर से नहीं जल पाता, लगता ही नहीं है कि तीर जाए तो आग पकड़ ले। नहीं, पिछला बार भी नीचे से ही आग धराया गया था
रावण को जलाने के लिए, और इस बार भी बार बार प्रयास किया जा रहा था कि तीर से ही आग लगाया जाए, लेकिन लग नहीं रहा था। तो माइक में अनाउंस किए कि नीचे से लगाइए। तो इस बार भी नीचे से ही लगा है, और 2 मिनट भी नहीं लगा रावण का खात्मा होने में। और अभी रावण जल ही रहा था कि सारे लोग मतलब जाने लगे, ऐसा लगा जैसे रावण का मर्डर के सीन ही पे चलने वाला है। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, कम से कम रावण को जलने तो दीजिए, कब से इंतजार कर रहे थे कब रावण दहन होगा। और पूरा जला भी नहीं है, लोग जाने लगे। फिर हम भी देख के आ गए माता रानी के पास लास्ट दर्शन करने, क्योंकि सुबह विसर्जन था। तो फिर तो ये मौका मिलने वाला है नहीं, 10 दिन से हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे दिया जलाने संध्या आरती के लिए आते हैं, पूजा करने आते हैं, और ये लास्ट दिन था। तो जय माता दी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।